हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। और आज हमारा टॉपिक है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप्स इन अ कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। आप बेसिकली जनरल एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें क्या है आपका क्यू इज इक्वल टू सी वी। फाइ डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी replace the value of q is equal to cv, then c into dv by dt, then the final value of the formula is I is equal to c dv by dt। इस equation से हम लोग काफी चीजें समझ सकते हैं, काफी points हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले point पे नजर डालते हैं कि सबसे पहला point हमारा क्या समझ में आता है। पहला पॉइंट हमको ये समझ में आता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, इट मीन्स दैट वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज नॉट करंट। जो कैपेसिटेंस है या वोल्टेज है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस, वो आपकी करंट पे नहीं, उस पर मौजूद चार्जेस पे डिपेंड करता है। देन आप कह सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज नॉट द करंट। सेकंड पॉइंट हमको क्या समझ में आता है, सेकंड पॉइंट हमको ये समझ में आता है अ कैपेसिटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड हेंस टू प्रोवाइड अ सॉर्ट ऑफ मेमोरी। कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है और एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी प्रोवाइड कराता है। तो कैपेसिटर हैज एन एबिलिटी, कैपेसिटर एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। तीसरा हमको संबंध क्या समझ में आता है, अ कैपेसिटर कैन हैव अ वोल्टेज अक्रॉस इट इवन वेन देर इज नो करेंट फ्लोइंग। कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, ऑलवेज प्रेजेंट अ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस the capacitor when there is no current flowing। ठीक है, चौथे पॉइंट की तरफ नजर डालें तो देखते हैं क्या समझ में आता है। I is equal to डी वी बाई डी टी, करंट इन द कैपेसिटर इज प्रेजेंट ओनली व्हेन वोल्टेज ऑन इट चार्ज चेंजेस विद टाइम। करंट हमको तभी किसी कैपेसिटर में देखने को मिलेगी जब उसमें वोल्टेज जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी टी। When voltage is changes, then we can see the current is flowing or charges move from one plate to another plate. If dv by dt is zero, अगर voltage changes time के साथ zero हो गए हैं, then I is equal to zero. So इसको हम लोग एक तरीके से डीसी वोल्टेज भी कह सकते हैं कि हमारा डीसी वोल्टेज अप्लाई हो गया है एंड कैपेसिटर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट है हमारा। पांचवे पॉइंट में क्या कहा गया है, आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी एंड डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आई बाई सी। वैल्यू ऑफ करंट आई रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस।
लार्जर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस स्लोअर द रेट ऑफ चेंज इन कैपेसिटिव वोल्टेज। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो डीवी बाई डीटी की वैल्यू होगी वो आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डीवी इज इक्वल टू आई बाई सी डीटी। इफ यू इंटीग्रेट द बोथ साइड डीवी इंटीग्रेशन आई बाई सी डीटी देन वी कैन फाइंड डीवी इज इक्वल टू 1 बाई सी और V इज इक्वल टू 1 बाई सी 0 टू T I dt। यह आप जनरली फार्मूला देखा होगा आपने, तो हम इस तरीके से कैपेसिटेंस में वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।